नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आज जिला अस्पताल परिसर में 108 कर्मचारी और प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के बीच हुए झगड़े में शाम को कोतवाली में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों से मारपीट करने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कोतवाली में मारपीट का मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आज सुबह जिला अस्पताल से 108 एम्बुलेंस जो कि देहात थाने की थी, उसके स्टाफ को पॉइंट मिला था कि एक मरीज को रेफर कर दिया गया है, उसे ग्वालियर ले जाना है। इस मरीज को ग्वालियर ले जाने को लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा 108 ऑन ड्यूटी कर्मचारी हरि सिंह धाकड़ और अन्य स्टाफ पंकज कुमार दीक्षित के साथ मारपीट की गई और 108 एम्बुलेंस के कांच भी तोड़ दिए गए की जानकारी मिली है। 108 एम्बुलेंस स्टाफ के साथ मारपीट करने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस चालक सोनू श्रीवास्तव और जगत कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा, रवि अहिरवार और 4-5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शाम को कोतवाली में आवेदन दिया गया। अभी संज्ञान में आया है साहब ने लड़कों को मारपीट हुई हो, तो उस संबंध में हमने थाना कोतवाली में आवेदन दिया हुआ है और FIR की जा रही है। इस बारे में TI साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी और इस संबंध में हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी आवेदन दिया है। किस विषय पे मारपीट हुई है? हमारे जो स्टाफ है से ग्वालियर के लिए GH हॉस्पिटल के लिए उसी को लेने गए थे वहाँ पे, तो प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने ले जाने से मना किया। वो ले जाना चाहते थे उस पेशेंट को, तो इनके द्वारा कहा गया कि हमको ID मिली है और हम ले जाएंगे, तो इन्होंने मना किया कि नहीं, हमको हमारा केस SNR हो जाएगा, तो उन्होंने अग्रसित होकर इनके साथ मारपीट कर दी। किन किन के साथ मारपीट हुई है? ये हमारे 4 लोगों के साथ हुई है। हमारे देहात लोकेशन का स्टाफ था हरि सिंह धाकड़, पायलट थे पंकज दीक्षित और एक EMT है हमारा PCR लोकेशन का राजू कौरव। इन 3 लोगों के साथ मारपीट हुई। किसने की है जी? ये अभी नाम तो हमने दिए हुए आवेदन में, वहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे, नाम तो उनके देखना पड़ेगा क्या नाम है, नाम मुझे जानना है। हाँ, क्या मामला है सर? मुझे ग्वालियर का रेफर मिला था डॉक्टर अरुण नागर के द्वारा, तो मैं जैसे रेफर लेने गया तो वहाँ पे अंदर मैंने पूछा किसको जाना है ग्वालियर, तो वहाँ पे सोनू श्रीवास्तव खड़ा था प्राइवेट एम्बुलेंस वाला, तो उसने कहा मरीज मैं ले जाऊँगा। तो मैंने कहा मुझे भोपाल से कॉल आया है, मैं लेके जाऊंगा इसको, तो इतने में वो गाली देने लगे और मुझे बाहर ले आए। बाहर आके उन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट की है और 3-4 लोग और आ गए, रवि अहिरवार, मोनू कुशवा और महेंद्र जगत और 4 लोग और 5 लोग और 2 गाड़ियों से और आए थे बाद में, और गाड़ी की तोड़फोड़ की है उनने, गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए हैं, गाड़ी की चाबी भी तोड़ दी है। इसके संबंध में CHMO साहब को आपने बताया है क्या? हाँ बताया। तो वो क्या कोई कार्रवाई की है उनने? नहीं, अभी कह रहा थी, देखते हैं, मैं करता हूँ, आश्वासन दिया है उन्हें। यहाँ पर आप कोतवाली में फिर किस लिए आए? TI साहब के पास आए थे FIR करवाने। तो FIR हो रही है आपकी? हाँ हो रही है। क्या मामला है? ये एक मारपीट की घटना है जिसमें इन लोगों ने शिकायत की है कि अस्पताल में कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस वाले भी हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं। आज के मामले में ये था कि 108 को एक इवेंट मिला था जिसमें यहाँ से उन्हें मजरूह को लेके जाना था ग्वालियर, उस बात पे प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने इनके साथ मारपीट की है, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिस पे FIR पंजीबद्ध हो गई है और मुनासिब कार्रवाई की है। सर, इन लोगों की शिकायतें आ चुकी हैं सर? मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ, मेरे समक्ष ये पहली शिकायत है।